दादा परदादा पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी चली आ रही है हमारी शुरू से ही। हाँ हाँ, शुरू से ही। ये जो अभी ऑल इंडिया साई हो रही थी लखनऊ में, वहाँ पे कोमल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और बहुत ही अच्छी कुश्ती दिखाई है वहाँ पे, सभी को बाई फाल किया है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। सीसर गाँव की कोमल नाम है पहलवान का और सीसर गाँव की खिलाड़ी है ये। हाँ, मैं मतलब की पहले भी इसका जो स्कूली गेमों में नेशनल में गोल्ड है, तो इस बार फिर करती है अपने गेम का। पहले अपने गांव में सीसर करे कर दी संदीप हाँ कोच साहब के पास, अब ये साई में चली गई है गुड़िया, तो साई में वहाँ पे जो लखनऊ में गेम हुए थे उसमें गोल्ड मारा गुड़िया ने, तो अब मैम जी के पास करते ही सार साई में। तो सीसर गांव के युवा में लगातार ये कहाँ से आ रहा है? ये शुरू से ही दादा परदादा पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी चली आ रही है हमारी शुरू से ही। हाँ हाँ, शुरू से ही भगवान हिदायत है, पेटी चली जा रही है युवाओं के लिए। हमारे गांव में बहुत अच्छा संदेश है और मतलब कि नशे से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं हमारे युवा। हाँ, रेसलिंग की और कबड्डी की तरफ अगर ठीक हो रहे हैं। बहुत खुशी हुई इनको देख के कि मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन कि पूरे गांव में भी बहुत खुशी हुई, तो मेरा मतलब होता है कि मैं भी ऐसे मेडल लेके आऊँ। यस, बहुत तो खुशी हुई। तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा रेसलिंग में, बुरिया भाई का कबड्डी में, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट रेसलिंग में। अच्छा, एक और बात, जैसे बुरिया भाई खेल से जुड़े रहते हैं और बड़ी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने लिए, तो उनसे आपकी बातचीत होती रहती है आने के बाद? हाँ, खाली समय में जब भी आते हैं भाई, हमें कुछ आप उनसे गाइड करते हो लेते हो? हाँ, भाई कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कुछ ये बातें? हाँ, वो बहुत हमें सपोर्ट भी करते हैं और कहते हैं कि मतलब बस अपने गेम पर फोकस रखो, कामयाब मिले, मतलब मेहनत करते रहो। अच्छा, कामयाबी मिले। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में और भी कितनी लड़कियां जो किसी कबड्डी में है? मेरे गांव में सब मतलब लड़कियां रेसलिंग में ही है। अच्छा। हाँ, कबड्डी में नहीं है। रेसलिंग खेलती है, मेरी छोटी सिस्टर भी रेसलिंग खेलती है, वो हिसार साई में। अच्छा। हाँ, तो जैसे बुरिया भाई इनाम जीत कर आए हैं, तो ऐसे में कोई गांव की कोई बेटी भी जीत कर आई है कोई ऐसा ही बड़ा इनाम? हाँ, मेरी छोटी सिस्टर भी जीत के नेशनल में, उसका सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल? हाँ, था। किस खेल में था? उसका रेसलिंग में था। रेसलिंग में था। हाँ, तो अभी आपकी स्टेट की खेलने की तैयारी है? हाँ, मेरी अभी स्टेट तो मैंने खेल लिया, मतलब दोबारा से फिर दोबारा। हाँ। अच्छा, तो तैयारी कहाँ करते हो आप? मैं नरवाना स्टेडियम में तैयारी करता हूँ। गांव में कोई स्टेडियम नहीं? गांव में, मेरे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है। अच्छा, क्या मतलब अगर गांव में इस प्रकार की सुविधा मिल जाए तो क्या आपको मतलब समय नहीं मिल जाएगा? एक तो जाने जाने का समय, बहुत समय मिलेगा। एक वहाँ घर वाले भी सोच करते हैं कि यहीं अगर हो जाए। बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, देरी हो जाती है, तो घर को भी सोच हो जाती है। अच्छा, बुरिया भाई से ये डिमांड करोगे भाई, अगर बुरिया भाई से अगर ये बात करते हैं कि भैया एक बार आप यहाँ पर स्टेडियम बनवाने के लिए कुछ फोर्स करें? हाँ, करेंगे, क्योंकि गाँव की लड़कियाँ बाहर कम जाएं तो मतलब यहाँ की यहीं तैयारी करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और जैसे और जो लड़कियाँ हैं आजकल की जो खेलने के लिए? बस यही है कि मैं अपने गेम पे फोकस करो और जिसका जो इंटरेस्ट है वो करो। अच्छा। तो, हाँ। जो गुड़िया को सफलता मिली है, कैसा महसूस आपको? बहुत तो खुशी हुई मेरे को, मतलब सभी बहुत अच्छा फील होता, कहीं जाते तो बोलते हैं कि है ये बुरिया की बहन है, इसका इसके भाई का मेडल आया, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा। हाँ, एक खिलाड़ी को
अपने ऊपर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जाते तो लोग कहते हैं ऐसे फिरती है, ये काम से बसती है, बहुत सुनना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप ये जो लवर टी शर्ट पहनते हो, वेशभूषा पहनते हो, तो इन पर भी सवाल निशान खड़े करते हैं कोई? नहीं, पर अभी मेरा मतलब थोड़े मेरे घर वाले तो कोई करता नहीं। घर वालों का पूरा सपोर्ट? हाँ, है बेटा, आराम से खेलो, कोई चिंता की बात नहीं, आप आगे बढ़ो। हाँ, मेरे परिवार वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और ड्रीम क्या आपका आगे बढ़ने का जिंदगी में? ड्रीम बस मेरा तो ओलंपिक का ड्रीम। ओलंपिक का ड्रीम है, ठीक है। मेरे